हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं दिवाली ब्लॉगिंग। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, मैं हूँ राशि नेगी, वेलकम टू माय चैनल। मैंने तेल लगा रखा है अच्छे से बहुत महीनों बाद, क्योंकि आज दिवाली है तो अच्छे से नहाएंगे, अच्छे से सर धोएंगे मतलब। और हमारे यहाँ दिवाली पे गेस्ट है ये डॉक्टर प्राची AKA घुंगरू और वो है हमारा बोल्ट। तो मैं अभी दिखाती हूँ कि अभी सुबह सुबह क्या चल रहा है। ये हमारा बोल्टू, इसकी भी नहलाई धुलाई होगी थोड़ी देर बाद। और ये मेरा गार्डन है, ये मेरे पापा मज़े से, पापा को गार्डनिंग बहुत पसंद है। तो आप क्या कर रहे हैं नेगी जी? पानी डाल रहा है पौधों में। पापा को बहुत पसंद है गार्डनिंग। ये देखो पापा के सारे बच्चे मेरे अलावा, ये सब पूरा घर ही हमारा ऐसे पेड़ पौधों से भरा हुआ है। अच्छा लगता है बहुत ऐसा ग्रीनरी। तो मैं अंदर दिखाती हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। अभी आंटी आ रखी है काम वाली, तो साफ सफाई चल रही है उनकी। मेरी श्री माता जी हैं ये। मम्मी हैप्पी दिवाली। सेम टू यू बेटे। क्या कर रहे हो आप फिर? मैं तो मैसेज वगैरह देख रही हूँ। और नाश्ते वगैरह में क्या है फिर आज दिवाली पे? अभी बना रही हूँ, अभी बनाने में। यहाँ देख के बताओ यार, दो मिनट फोन रख के बताओ आज मेन्यू में क्या है, क्या बनाओगी आप? मेन्यू में उड़द की दाल की पकौड़ी है। एक मिनट, पंखा बंद करके आ रही हूँ। शोर हो रहा है फैन से। यस, तो बताइए मेन्यू में क्या है फिर आज? उड़द की दाल की पकौड़ी है। हमारे यहाँ छाले बोलते हैं उसको। अच्छे से बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ कि हम पहाड़ी हैं, हमारे यहाँ ये सब बनता है, ऐसे बताइए। हम लोग गढ़वाली है ना, पहाड़ी लोग हैं हम। तो हमारे यहाँ आज उड़द की दाल की पकौड़ी यहाँ बनती हैं, खूब ऐसे बड़ी बड़ी बीच में छेद वाली, उस पर तेल लगे रहते हैं चारों तरफ। हाँ, वो सब आपको मैं वहाँ किचन में जब बनेगा तब दिखाऊंगा। सब दिखाएं। और अभी फिर वो हम रात को दाल भिगाते हैं लोबिया की, फिर उसको सुबह पीसते हैं, उबालते हैं, फिर पीसते हैं, फिर उसको उसके भरे कचौड़ी, जैसे कचौड़ी बनती है ना, तो कचौड़ी गोल गोल होती है, हम जरा उसको पूड़ी की तरह बनाते हैं, भर के उसको भर के स्वाला बनाते हैं हम, उसको भर के स्वाला बोलते हैं गढ़। तो अभी हम थोड़ी देर में जब स्वाले बनेंगे तब देखना कि कैसे बनते, क्या बनते हैं। उसके साथ दही भी है, रायता भी है, जो कुछ और भी बने। मुझे अभी से भूख लग रही है, पर नहाने से पहले मैं बोल्टू को नहलाऊंगी, तो उसका भी नहाना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत टाइम से नहीं नहाया है, बाहर काम वाम चल रहा है तो इतनी धूल हो जा रही है, वो वापस से गंदा हो जाता है, इसलिए हम उसको रोज़ रोज़ नहीं नहला रहे हैं अब। तो आज उसकी नहीं है ना, उसकी रोज़ रोज़ नहा भी नहीं सकता वो। उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी, अगर आपको वो देखना है तो आप वो देख सकते हो। अगर आपने देखा होगा तो वेल एंड गुड, बट इफ अगर आपने नहीं देखा है तो इन शॉर्ट उसके ब्रेन और स्पाइनल नर्व इंजरीज हुई थी, तो इसलिए अब उसको रोज़ रोज़ नहीं नहला सकते हैं। इस कारण से भी उसका थोड़ा बॉडी में प्रॉब्लम आती है, ठंड से तो इसलिए उसको कम ही नहलाते हैं, उसके मज़े आ रखे हैं। तो ये सैड व्लॉग नहीं है, आज दिवाली, आज हम खुश रहेंगे। तो गाइज, अब हम जा रहे हैं बोल्टू की धुलाई करने, जो उसको बिल्कुल भी भनक नहीं है जिस चीज़ की। डूड, आर यू रेडी? ये उसके लिए हल्का सा गुनगुना पानी है ताकि उसको ज़्यादा ठंड ना लगे। बोल्टू की धुलाई हो चुकी है और ये बहुत ड्रामा कर रहा है। इसको लग रहा है कि इसको बाहर घूमने को जाने को मिलेगा, जबकि दिन में चार बार घूमने जाता है। अभी इसने डांट खाई और ये ऐसे बैठ रखा है। ये हमारी प्रिपरेशन शुरू हो गई है स्वाले बनने की। ये इसका मसाला जो दाल वाले को पीस के रखा है, ऐसे बन के आ रहा है, ऐसे बनाया जा रहा है। तो अभी तो स्वाले बन रहे हैं, बाद में जब पकौड़ी बनेगी फिर आएंगे। मैं चलती हूँ। मैं इसको कचौड़ी बोलते हैं सरल शब्दों में, ये कचौड़ी है, ठीक है। तो बोल्टू की धुलाई के बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने, और फिर मिलते हैं। और मुझे ज़्यादा कोई ट्रांजिशन तो आता नहीं है, तो मैं नहाने के बाद ना ऐसे करूँगी और ऐसे ऐसे करके बस देखते रहना, ठीक है। ओके, सो आई एम बैक नहा धो के बिल्कुल फ्रेश। अब देखते हैं कि हमारी पकौड़ी कैसी बन रही है, उड़द की पकौड़ी। ये हमारी उड़द की पकौड़ी है। दो पकौड़ी,
ऐसे बन रही है ये। ये देखो गाइस उड़द की पकौड़ी, और ये तेल ऐसे लगाया जाता है इसमें। ये ऐसे बनाई जाती है पानी के हाथ से खुद ऊपर से तेल लगाए जाते हैं। तो देख लो प्रोफेशनल डूड को निकाला जाता है तेल जो करके, और ये ऐसे बन के निकलती है। मुझे भूल गया। तो ये है हमारा आज दिवाली स्पेशल, इसको स्वाले बोलते हैं। ये उड़द की पकौड़ी, चटनी, दही। अब ये हम बगल वाली आंटी के यहाँ मिठाई लेकर आए हैं, और उनका प्यारा सा डॉगी टाइसन है। तो अभी हो रहे हैं दिन के 1:15, और हम लोग को डेकोरेशन का काम मिला है मम्मी से, इसलिए हम लोग रंगोली वगैरह बना रहे हैं। और भी डेकोरेट करना है, ये सब तो हमने कल ही लगा दिया था। और प्राची और मैं बनाएंगे रंगोली, अभी आधी हमने कल बना ली थी, अभी हम बाकी कंटिन्यू करेंगे। तो मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद जब पूरी रंगोली बन जाएगी, उसमें दिए लगा के ही दिखाएंगे सीधा, वरना बहुत गंदा लगेगा। मैं एक्सपर्ट तो है नहीं, बट हम ऐसे हम पे ये थोड़ा बहुत सामान है, ये तो खैर होली के गुलाल हैं, ये सब हम लेकर आए हैं, मतलब पापा लेकर आए हैं सब। तो हम इससे रंगोली बनाएंगे। बिगनेस्ट रंगोली जिसे सीख रहे हैं वो हमसे कॉन्टेक्ट अस, DM कमेंट्स में मेंशन कर दे, हम रंगोली बनाने आ जाएंगे। रंगोली हमारी कल बन गई थी, बाकी अभी हम कंटिन्यू करेंगे। ₹50 में रंगोली फॉर अ डे, सस्ते रंगोली आर्टिस्ट कुछ बोले राशि लेगी। हम थक गए, हमने बहुत भयंकर रंगोली बनाई है, इतनी भयंकर कि हम थक गए और सो रहे हैं। फुटबॉल तो बहुत ही ज़्यादा काम करता है बेचारा, तो वो तो थक ही जाता है। लेबर है हमारे घर का, इससे हम झाड़ू पोछा करवाते हैं, बर्तन धुलवाते हैं। बोल तू, है ना, इसलिए तो थक जाता है ना तू। बोल तू, सोता ही है रात को, अंदर सोता ही है, और ये दिन भर सोता है, करता क्या है तू, बोल तो है। वोल्टू इज लाइक नॉट इंटरेस्टेड। उठाने की एक निंजा टेक्निक है। ओ ओ कौन है? कौन है? जा देख कर आओ, देखो 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 कौन आया, जा मत, जा देख कर आओ, जा 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 जल्दी देख कर आओ, जल्दी देख कर आओ। मैं देख कर आ रही हूँ, तुम देख कर आ रहे हो, मैं जा रही हूँ। My friend that talks. तो अभी दिन के बज रहे 3:30, और हम लोग बनाएंगे तोरण। तोरण मुझे भी नहीं पता था, मम्मी से पता चला, आम या अशोक के पत्ते का ऐसे फोल्ड करके और उसके बीच में ऐसे गेंदे का फूल लगा के सब लगा के बनता है, जो ऊपर ऐसे या तो डोर पे लटकाते हैं या कहीं पे भी, मतलब कुछ शुभ माना जाता है लगाने से, इसलिए हम लोग अभी वो खुद से बनाएंगे। मैं आपको उसका प्रिपरेशन दिखाती हूँ। ये फूल है, और ये हैं पत्ते आम के, अशोक के पत्ते, दीज आर अशोक एंड ये आम के पत्ते, और बनाएंगे बस अब हम। तो हमने ये बनाया है, मैं बताती हूँ इसको कैसे बनाते हैं, रुको। हमने ये पत्ता लिया, इसको ऐसे ऐसे फोल्ड किया, और ये हो गया। तो हमने ऐसे करके ये बनाया। ये अभी हमको दो बनानी है क्या, और एक ही बनानी है? अभी हमें दो बनानी है, एक बन गई है, एक और है बस। एंड विद दिस अभी 5 बज रहे हैं, हमारी सेकंड माला भी तैयार हो गई है। तो हमारे हमने दो माला बनाई है डोर के ऊपर लगाने के लिए, और बाकी हम बनाएंगे अगर हम पे टाइम बचेगा तो उधर। अभी हमें ये स्टिकर लगाने हैं ये वाले घर पे, और ये लगाना है शिव दीपावली। तो ये हमने लगा दिया है माला मेड बाय अस बोट। तुम्हें भी पहननी है क्या ये माला? हाँ, दूसरी माला भी लटक चुकी है। वीडियो बना रहा है। यस, ये हैं डॉक्टर राशि, पोछे वाली, पोछे वाली बाय। देखो करना पड़ता है, मम्मी कब तक करेगी बेचारी। ओह माय गॉड, ये है बिफोर लुक, अपना शक्ल तो देखा,
यस ये सब देखो मैंने खाना बनाया है केले बनाए तूने जल्दी जल्दी आके मेरा तो ये मैंने खीर बनाई है हाँ, क्या क्या डाला डॉक्टर राशि डॉक्टर राशि ने क्या क्या डाला खीर बनाई है मैंने है ना आपको कैसे आंटी अच्छी खीर बनाएंगे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है केसर डालवा रही हूँ मैं अपने ये सब मैंने असिस्टेंट है इनको सिखा देती हूँ मैं बना देते हैं मतलब थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दे लो फिर तो खुद ही करना पड़ता है सफेद जूट देखो मैंने ये छोले बनाए हैं आओ छोले देख के जाओ ये छोले बनाए हैं मैंने ठीक है और ये बनाया मैंने भिंडी भिंडी बनाई है मैंने ठीक है और मैं खुश ये मैंने रायता बनाया है मैं भिंडी देख के पिघल गई यहाँ पे ये मैंने चकला भी बनाया है चकला भी मैंने बना देती हूँ मैं सब बना देती हूँ तो ये ब्लॉग आप 2-3 दिन बाद देखोगे बस फिर पूछ वाली भाई जाओ यार कुछ तो बोल के जाओ कुछ बोल के जाओ आंटी बताएंगे ना कितना तूने बनाया ये सब कुछ राशि ने केले भी यही लाई तोड़ के पेड़ से मम्मी को मैंने सारी खाना वाना बनाना सिखा दिया है हम तो अभी फटी गली हालत में है हम तैयार नहीं हुए हैं 6:30 हो गए और मम्मी तो बहुत प्यारी लग रही है तैयार हो गए पापा भी नवाब लग रहे हैं ये है ये दोनों सेलिब्रिटी इधर देखिए गाइस स्माइल कीजिए कैसा लग रहा है आपको दिवाली पे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे अच्छा लग रहा है कि हमारे दोनों बच्चे आ रखे हैं बहुत अच्छा लग रहा है दीपावली में पापा जैसे फोटो खींचाने के लिए खड़े हैं जल्दी फोटो खींच फिर मैं जाता हूँ तो अभी हम आ चुके हैं मुंह हाथ धो के अब हम तैयार होंगे विद दिस ट्रांजिशन सो गाइज वी आर रेडी और तो हम तैयार हो गए और अब हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा तैयारी करने मम्मी के साथ सो लेट्स गो This is how we are dressed. रुको मैं इधर दिखाती हूँ प्राची तो हम ऐसे तैयार हो रखे हैं हमने ये पहना है और हम चलते हैं पूजा में कमल का फूल भी कितना बढ़िया खिल गया भाई फिर भी इतनी जल्दी नहीं खिलाना पड़ता है कमल का फूल गाइस पूजा तैयार हो चुकी है ये हमारे प्यारे शिव जी इधर ऐसे पूजा है ये पूजा करने वाले पुजारी जी हैं ये अलग से सेटअप लगाया है आजकल तो ये हमारी पूजा है गाइस और ये हमारे दिए की प्रेपरेशन चल रही है ये सब दिए जलाए जाएंगे प्राची स्पेशल कैंडल्स भी लाई है प्राची कैंडल्स तो जाके दिखाओ आंटी कैसी लग रही बहुत सुंदर बेटा थैंक यू आंटी बहुत सुंदर लग रहे हो दोनों के दोनों थैंक यू आंटी ये लाइए स्पेशल कैंडल हमारे लिए हम तो इसको पता था हम दिए जलाते हैं बेचारे तो अब हम ये दिए हर कमरे में रखेंगे आप ये वीडियो शायद 1-2 दिन के बाद देखोगे सो हैप्पी दिवाली फ्रॉम अस टू यू एंड मे योर लाइफ बी एज ब्राइट एज दिवाली सो हम ये हर कमरे में दिया जलाएंगे और उसके बाद हम बाहर दिया जलाएंगे हमारे एंट्रेंस पे ये हमारी रंगोली है देखो दिस इज आवर रंगोली तो दिखा दो तो हमारी दूसरी रंगोली है ये देखो हमारे दिवाली के गेस्ट दिस इज गोल्डी शुभम एके शुभम दिस इज काकू काकू आया आज ओए नाइस टी शर्ट आज मैं फेमस हो जाऊंगा दैट्स माइन पता है मुझे नाइस हुड दोनों यहाँ छोड़ के जाना ऑफिस बॉय कितनी तेज चल रही है ऑफिस बॉय की उंगलियां खीर है ये रहता है छोले
अभी हम आए अपने यूनियन टर्मिया और हम यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हैं। हमारे अब फूटेंगे। अरे बाप रे, लोग भी चले गए हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट भी करके जाना।